तो डिफ्रैक्शन के अंदर हमने कुछ फॉर्मूलाज किए थे डिफ्रैक्शन के, जो टेस्ट के अंदर भी आने वाले हैं वैसे तो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन इज इंसिडेंट ऑन अ स्मॉल अपर्चर, तो एक सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, आफ्टर पासिंग थ्रू द अपर्चर द बीम इज नो लॉन्गर पैरेलल बट डाइवर्जेस एट 1 degree टू द इंसिडेंट डायरेक्शन। थीटा आपको पता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, थीटा पता है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अपर्चर, तो अपर्चर का डायमीटर का मतलब कि विड्थ निकालनी है, ए क्या होगी, और फर्स्ट मिनिमा आपको इसमें केस गिवन है, मतलब लिख दिया मैंने इसमें गिवन होना चाहिए फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या है, ए साइन थीटा 1 लैम्डा, तो आपको इसमें निकालना क्या है, ए निकालना है, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन साइन थीटा, थीटा यहाँ पर 1 है तो लैम्डा आपको गिवन है। 1 degree को कैसे लिखेंगे, पाई बाय 180, 1 degree को लिखेंगे रेडियन में पाई बाय 180, ऑब्वियसली क्योंकि पाई और 180 एक ही बात है, एंगल जब स्मॉल होते हैं तो साइन को हटाया जा सकता है, सिर्फ क्या बचेगा पाई बाय 180 आंसर। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, फर्स्ट मिनिमा का केस है, फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन का वो आंसर आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है YDSC एक्सपेरिमेंट, अब ध्यान से ये क्वेश्चन किसका है, YDSC का, डिफ्रैक्शन का नहीं है। इन YDSC एक्सपेरिमेंट 8th मैक्सिमा विद वेवलेंथ लैम्डा 1 इज एट डिस्टेंस d1 फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, तो 8th मैक्सिमा कितनी दूरी पे है, d1 दूरी पे है, तो 8th मैक्सिमा की कंडीशन ये रही, ये YDSC है, एंड 6th मैक्सिमा इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d2, तो ये क्या गिवन है, d2 गिवन है 6th मैक्सिमा, तो आपको d1 d2 में रेशियो निकालनी है, तो आप इन दोनों को क्या कर लें, डिवाइड कर लें, लैम्डा 1 लैम्डा 2 d और d पुट करके आपके पास d1 d2 की रेशियो आएगी, ठीक, ये भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड 6th मिनिमा इन डिफ्रैक्शन, YDSC नहीं डिफ्रैक्शन, तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड 6th मिनिमा इन डिफ्रैक्शन, पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट इज गिवन, तो द स्क्रीन इज 0.5 meter अवे फ्रॉम द स्लिट, कैपिटल डी गिवन है, इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज गिवन देन स्लिट विड्थ क्या है, तो आपको 6th फर्स्ट और 6th मिनिमा की दूरी पता है, 6th मिनिमा का डिस्टेंस डिफ्रैक्शन में क्या होता है, n लैम्डा d / a, तो n की जगह 6 पुट कर दिया, और दूसरा क्या पुट किया, 1 लैम्डा d / a, 6th और फर्स्ट मिनिमा की दूरी आपको गिवन है कितनी, माइनस करके ये आएगी, और ये डिस्टेंस गिवन है कितनी, 0.5 mm का मतलब 0.5 × 10⁻³, यहां से आपको a निकालना है, लैम्डा पता है, कैपिटल डी पता है, सॉल्व करके a कैन बी कैलकुलेटेड। तो कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये समझ में आ रहा है, यहां तक फॉर्मूला अप्लाइड किया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में प्लेन माइक्रोवेव्स आर इंसिडेंट ऑन अ लॉन्ग स्लिट हैविंग अ विड्थ ऑफ गिवन, तो स्मॉल a गिवन है, सिंगल स्लिट है, सिंगल विड्थ है, तो ए की वैल्यू गिवन है, द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इफ फर्स्ट मिनिमम इज फॉर्मड एट 30 degree, डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, डिफ्रैक्शन में मिनिमा की कंडीशन ए साइन थीटा एन लैम्डा, फर्स्ट मिनिमा का मतलब एन इज इक्वल टू 1, तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, लैम्डा, आपको थीटा इस क्वेश्चन में गिवन है कितना 30 degree, तो फॉर्मूले में 1 पुट करके ए साइन थीटा लैम्डा से लैम्डा कैन बी कैलकुलेट। तो कौन सा फॉर्मूला डिफ्रैक्शन का कब लगेगा यही इंपॉर्टेंट है, इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे क्वेश्चन है प्लेन वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ ए गिवन है, विड्थ ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑन स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 cm विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा गिवन है, स्मॉल ए विड्थ गिवन है, विड्थ किसकी निकालनी है, प्रिंसिपल मैक्सिमा की, सेंट्रल मैक्सिमा की लीनियर विड्थ होती क्या है, 2 लैम्डा डी बाई ए हमने किया था, ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में लैम्डा पता है, कैपिटल डी पता है, और विड्थ भी पता है स्मॉल ए, तो इन सारी वैल्यूज को पुट करके आपके पास विड्थ की वैल्यू आएगी। तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो जिन्होंने डिफ्रैक्शन का टॉपिक किया है और फॉर्मूला डिफ्रैक्शन के सारे आते हैं और ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्या चीजें गिवन है, सीधा फॉर्मूला वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। नेक्स्ट है लाइट जिसकी वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, फर्स्ट मिनिमम ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड एट 4 mm फ्रॉम द सेंटर, फर्स्ट मिनिमम का मतलब है n इज इक्वल टू 1, मिनिमा की कंडीशन तो हमें मालूम है, फर्स्ट मिनिमा की दूरी पता है, डिस्टेंस पता है, मिनिमा का डिस्टेंस कैसे निकलता है, x या y से रिप्रेजेंट करते हैं n लैम्डा d / a, YDSC में ये डिस्टेंस मैक्सिमा का होता है और इसमें डिफ्रैक्शन में ये डिस्टेंस मिनिमा का होता है, आपको इसमें ये y गिवन है, आपको स्लिट विड्थ निकालनी है, फर्स्ट मिनिमा का मतलब n इज इक्वल टू 1, लैम्डा आपको पता है, कैपिटल डी आपको पता है, y आपको पता है, सॉल्व करके किसकी वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी।
तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ताकि कोई भी चीज इनविजिबल हो जाए, क्या होगा? वन। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वन। अगर एक वाटर लेते हो या ग्लास लेते हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अगर वन है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे पानी और एयर में या ग्लास और एयर में, क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? सेम। कोई डेंसर नहीं, कोई रेयर नहीं, वन। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, मिस्टर इंडिया अनिल कपूर की मूवी है, वो देखनी है, उसमें वॉच होती है, वो दबाता है, इनविजिबल हो जाता है। तो उसके दादाजी थे, वो ऑप्टिक्स में साइंटिस्ट थे, तो उसमें वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन कर देते थे तो अनिल कपूर इनविजिबल हो जाता है। ये वही क्वेश्चन है, म्यू इज इक्वल टू वन, ऐसे ही होता है, पर रेड लाइट से कैसे दिखता है वो नहीं मुझे पता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री ऑन द स्क्रीन प्लेस 1 मीटर अवे। वो कह रहा है एंगुलर पोजीशन क्या होती है? थीटा। इस क्वेश्चन को रादर मैंने यहां पे लिखा हुआ है, वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट है, एंगुलर विड्थ गिवन है, छोटा करके लिखा हुआ है। एंगुलर विड्थ किसकी? फर्स्ट की, सेकेंड की, थर्ड मिनिमा, मैक्सिमम, पता नहीं, बस ये बीटा आपको गिवन है। एंगुलर विड्थ एंगल की फॉर्म में 0.2 डिग्री गिवन है। कैपिटल डी गिवन है, लैम्डा गिवन है। आपको ये बताना है एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज क्या होगी, एंगुलर विड्थ बोलनी चाहिए, एंगुलर विड्थ नहीं, क्या होगी अगर पूरे ऑपरेटर्स को किसी डेंसर मीडियम में इमर्स कर दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। तो एक रिजल्ट है, जो थीटा होता है वो लैम्डा और ए का बना होता है। जो थीटा है एंगुलर विड्थ, या तो लैम्डा और ए, चाहे वो 1 λ/a, 2 λ/a, 3 λ, कुछ भी होगा, वो नंबर होगा, नंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो थीटा जो है एंगुलर विड्थ तो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने वेव ऑप्टिक्स के पहले लेक्चर में क्या किया था कि अगर किसी भी चीज़ को, अगर लाइट को किसी और मीडियम में इमर्स कर दें तो लैम्डा क्या हो जाता है? लैम्डा बाई म्यू। तो एंगुलर विड्थ भी क्या हो जाएगी, क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और लैम्डा क्या हो गया? लैम्डा बाई म्यू। तो थीटा भी क्या हो जाएगा? थीटा बाई म्यू। तो एक रिजल्ट याद कर लें, सीधा रिजल्ट है। रिजल्ट यह है कि अगर आपके पास लैम्डा वेवलेंथ है एयर में, तो किसी भी मीडियम में नई वेवलेंथ क्या हो जाएगी? लैम्डा बाय म्यू। ये हमने रिजल्ट किया हुआ है। अगर बीटा फ्रिंज विड्थ है तो मीडियम में बीटा बाय म्यू हो जाएगा, बीटा है तो बीटा बाय म्यू हो जाएगा। अगर एंगुलर विड्थ थीटा है तो थीटा बाय म्यू हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आप प्लीज नोट कर लें अपने फॉर्मूला बुकलेट में, सीधा रिजल्ट लगाएंगे आंसर आएगा। ठीक है यहां तक?